Let us understand types of data. So please raise your hands, like if you have any idea about types of data. Uh, Sir, so, uh, maybe character or numeric. Mm -hmm. Correct. Okay. Apart from this, anything? Yeah, it's depend on just like financial banking department or insurance department or clinical department mm-hmm okay okay that is also fine yeah yes so basically service-based data or product-based data mm -hmm. that is also correct okay how about others any basic idea is fine to us yeah costum yeah uh... There are two types of data: uh, structured and unstructured. Mm, that is also correct. Okay. About others: Pritham, Neelam, Siddeshwar, Snehal. Any basic idea? Just raise your hands. And so, let us un understand this by an example. So, all of you have used Flipkart or Amazon, use auga, right? So while creating the profile, uh, which are the basic details we enter there? Uh, name, mobile number, and email ID. Okay, okay. Let's go one by one. First is name. So Anup, uh, just write your name. Just keep it your first name. That is fine. Now.

So, same way write uh, numeric. Now. We are having a mail ID. That is a combination of. Number. Character. And at the rate is at the rate and like these, whatever symbols are there, those are called special character. So, we are having combination of three types like number, character, numeric character and special character.

या तो ये तीनों स्पेशल कैरेक्टर तीनों साथ में हो तो हम उसको इन डेटा टर्म्स में हम उसको कैरेक्टर डेटा कंसिडर करते हैं क्यों कैरेक्टर डेटा कंसिडर करते हैं हम अभी जब डेटा क्रिएट करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा डिटेल में नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट लाइन और जस्ट टेक दिस द थर्ड रो इन टू फोर्थ रो या नाउ राइट हियर एट थर्ड रो दिस गिव स्पेशल कैरेक्टर्स Some symbols like at the rate, hyphen, forward slash, asterisk. Give some symbols. Uh, you can give more than one, give n percent as well, percent as well. Hmm. Now, this is fine. Now, this oh, data, we Character Character data. हम्म ठीक है अभी जब हम फोर्थ रो देख रहे थे तभी मैंने बताया था कि पहला न्यूमेरिक डेटा है जैसे कि फोर्थ रो में हमने लिखा है नाइन डबल टू नाइन टू वो न्यूमेरिक डेटा फिर अनुप कैरेक्टर डेटा फिर उन्होंने बताया था एट द रेट एंड पीरियड को कुछ बोलते हैं वट आई सेट डू यू रिमेम्बर गाइस तीसरा भी मैंने बोला था एक करेक्टर। स्पेशल कैरेक्टर स्पेशल कैरेक्टर तो जो ये सिम्बल्स होते हैं एट द रेट एस्ट्रिक पीरियड वो ऑन जो भी सिंबल्स आप यूज कर रहे हो दैट विल बी कॉल्ड एज कैरेक्टर, ओके और ये जो चीज़ हम सीख रहे हैं इट इज नॉट लिमिटेड टू सेवर यू सी अ डेटा, इट विल बी लाइक दिस ऑनली जब भी, भी आप डेटा का एनालिसिस करोगे तो इसी हिसाब से वो क्लासीफाई होगा ओके नो अगेन गिव कैरेक्टर राइट नाउ

फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग कभी भी आप कोडिंग विंडो में यू कैन सी एट दिटन कोड इज डीन की कोडिंग विंडो है तो कोडिंग विंडो में आप ऐसी नहीं लिख सकते सो फॉर दैट विल बी कमेंटिंग दिस थिंग्स इन चीजों को हम कमेंट कर देंगे अगर कमेंट नहीं करते तो क्या होता है एरर आता है हमें फिर आगे कोई भी कोड करोगे तो कोड में एरर आएगा इवन द कोड विल भी प्रॉपर सो नाउ डू वन थिंग Select from first row to sixth row and control plus forward slash. Under. Yeah. Okay. So now an un unselected click on the screen.

क्यों सह में दी हुई है कमेंट करने का क्यों दिया बिकॉज फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग सपोज आप नीचे कुछ परफॉर्म कर रहे हो और आपको ऊपर कुछ नोट लिखना है उसके रिगार्डिंग अंडरस्टैंडिंग सेल्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए तो आप इस वे में लिख के आप उसे कमेंट कर सकते हो नाउ नाउ बेसिक क्वेश्चन अगेन टू एवरी वन एक डेटा में क्या होता है क्या चीजें होती है एक्चुअल में हमने एक डेटा प्रिंट किया है जो ऑलरेडी यहाँ पे स्टोर था वो कहाँ स्टोर था वो चीज़ें मैं आपको भी डिटेल में बताता हूँ इसके जस्ट बाद तो वहाँ से डेटा हमने प्रिंट किया है क्योंकि हमने कोड लिखा था प्रॉप प्रिंट हमने एक डेटा प्रिंट किया हमने ऐसा क्यों किया हम एक्सेल में इन चीजों को देखने वाले थे बट एक्सेल में थोड़ा इशू आ रहा था सो वी कैन सी हियर एज वेल इंस्टेड ऑफ टेकिंग इट टू लॉन्ग तो मुझे आपको ये दिखाना था देखो एक डेटा कैसा दिखता है ठीक है अभी इसमें मुझे बताओ कितने कॉलम्स हैं हाउ मेनी कॉलम्स आर देर सिक्स कॉलम सेवनटीन रोज Okay. जो ऊपर आपको दिख रहा है ना उसको बोलते हैं कॉलम और जो नीचे नंबर्स है ना उनको हम बोलते हैं रोज डाउन, एक्चुअली हमारे पास होंगे टोटल। स्क्रॉल डाउन, ठीक है। एंड जस्ट डू वन थिंग यूज कंट्रोल माइनस थ्री टाइम्स परफेक्ट दिस मच ओनली दैट इज फाइन अभी आपको दिख रहा होगा पूरा एक साथ यू कैन सी टोटल 19 रोज है ठीक है और ऊपर कितने कॉलम्स है वन दैट इज ऑप्स सेकेंड दैट इज नेम थर्ड इज सेक्स फोर्थ इज एच फिफ्थ इज हाइट सिक्स इज वेट टोटल हमारे पास सिक्स कॉलम्स हुए ठीक है तो इनको बोलते हैं कॉलम और ये होते हैं रोज जो हमने एक्सेल में देखा था बट इसको किसी भी डेटा लैंग्वेज में आप पाइथन जावा आप कोई भी लैंग्वेज ले लो उसमें क्या बोलते हैं इसको वेरिएबल्स किसको वेरिएबल बोलते हैं कॉलम नेम को जो ये नेम सेक्स एज हाइट वेट है इनको वेरिएबल्स बोलते हैं और जो ऑब्स जो पहला वाला क्रिएट हुआ है ना ये डिफॉल्ट ने क्रिएट किया है ये डेटा में था नहीं ये कभी भी आप डेटा क्रिएट करोगे ना तो बाई डिफॉल्टे आ जाएगा क्योंकि ये नंबर शो करता है नंबर ऑफ रोज काउंटिंग दिखाता है दैट्स थिंग ओके वो बाय डिफॉल्ट क्रिएट हुआ है So these are called variables. So always remember, column name will be called variable in any programming language, even in sas That is standard. Okay. ab humne niche dekha tha rows. Rows को हम बोलते हैं alternate way में records भी, number of records. और जैसे कि हम column को variable बोलते हैं, वैसे हम जो column के अंदर जो data है ना, na, name के अंदर total कितने name हैं? 19 19 तो इस डेटा को जो नेम के अंदर जो डेटा है उसको हम क्या बोलते हैं एनी आईडिया जैसे जो नेम है उसको हम बोलते हैं वेरिएबल ये जितने भी कॉलम हैं उनको वेरिएबल बोलते हैं वैसे उसके अंदर के डेटा को क्या बोलते हैं हम ऑब्जर्वेशन करेक्ट सो जो उस वेरिएबल के अंदर जो डेटा होता है उसको हम बोलते हैं ऑब्जर्वेशंस एंड दिस इज स्टैंडर्ड फॉर एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ओके एंड वेन एवर दिस टर्म यू विल हियर वेरिएबल तो आपको पता चलना चाहिए वेरिएबल यानी कॉलम नेम होता है मतलब जो कॉलम्स के नेम है जैसे कि नेम सेक्स एज हाइट वेट और जब भी आप टर्म सुनो कि ऑब्जर्वेशन तो यानी उस वेरिएबल के अंदर का डेटा या किसी भी वेरिएबल के अंदर डेटा ओके okay? उसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशन तो आगे जाके ये टर्म हम बहुत यूज़ करेंगे वेरिएबल ऑब्जर्वेशन वेरिएबल ऑब्जर्वेशन इवन इंटरव्यू में भी यूज होगा कंपनीज में भी यूज होगा क्योंकि यही स्टैंडर्ड टर्म है जो हम यूज करते हैं कंपनीज के लिए ओके गो टू कोडिंग विंडो कोडिंग जस्ट क्लिक ऑन कोड अब ये भी देख लेते हैं ऊपर हमें तीन विंडोज दिख रहे हैं कोड लॉग एंड रिजल्ट वो विंडोज के क्या नीड है स्पेसिफिक तो जो कोडिंग विंडो है उसके नाम से ही पता चल रहा है इट इज यूज टू राइट कोड्स राइट कोड्स लिखने के लिए काम आता है इसमें आप कोडिंग करते हो इवन ये क्वेश्चंस कहीं नहीं पूछते बट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग या यू कैन कीप इन माइंड लॉग लॉग विंडो किस लिए यूज होता है जब भी आप कुछ भी परफॉर्म करते हो ओके वेन यू आर परफॉर्मिंग एनीथिंग जो भी प्रोसेस होगा बिहाइंड द सीन उसकी जो भी करेक्शन या कोई एरर ओके okay, वो सारी चीजें लॉग विंडो में आएंगी जैसे आपने डेटा ये रन किया ना तो लॉग विंडो में आया होगा जस्ट क्लिक ऑन लॉग विंडो सम सम्मेशन सो लॉग विंडो में देखो नोट लिखा हुआ है पहला नोट इट इज रिटर्न देर वर नाइनटीन ऑब्जर्वेशन रीड फ्रॉम डेटा सैसल डॉट क्लास और वो भी बता रहा है कि कितना टाइम लगा ओके रियल टाइम में 0.02 पॉइंट जीरो टू सेकेंड लगा यूजर ये इन्फॉर्मेशन उतनी काम्स की नहीं होती कौन सी इन्फॉर्मेशन काम की होती है वो अगेन हम आगे करते करते देखेंगे ओके कमिंग टू रिजल्ट विंडो क्लिक ऑन रिजल्ट विंडो तो कभी भी आपको डेटा को प्रिंट करना होता है प्रिंट करके एक प्रॉपर वे में देखना होता है तो आप रिजल्ट विंडो में वो डेटा आपको प्रिंट होकर मिलता है सो रिजल्ट विंडो मोस्टली जो आपने डेटा क्रिएट किया है उसको देखने के लिए यूज होता है एक प्रॉपर वे में गो टू कोडिंग विंडो अब हमने छोटा सा यहाँ पे कोड लिखा था डेटा so, लिखा था डेटा को प्रिंट करके देखने के लिए तो हमने लिखा प्रॉक प्रिंट डेटा ओके तो यह सेंटेक्स है देखो सेंटेक्स पार्ट ब्लू में आ रहा है अनु कुड यू अनिलेक्टेड तो प्रॉक प्रिंट डेटा लिखा फिर वाई वी हाँ रिटन हमें कुछ प्रिंट करना है तो क्या प्रिंट करना है हमें डेटा प्रिंट करना है डेटा हाँ तो बट विच डेटा कहां से तो आपने बोला क्या है हेल्प एक लाइब्रेरी है तो लेट मी टेल यू वन थिंग जैसे कि आपके घर में एक स्टोर रूम होगा राइट कंपनीज के लिए होता है वेयर हाउस जहां पे चीजें स्टोर होती हैं अपने घर में आप कोई भी चीज स्टोर करते हो कंपनीज अपने प्रोडक्ट स्टोर करती है वेयर हाउस में ठीक है और वो डिफरेंट डिफरेंट वेयर हाउस में अलग अलग पार्टीशन कर देते हैं यहाँ पे समझो कि एक कंपनी है दैट इज प्रोड्यूसिंग लाइक व्हीकल हीरो होंडा तो उन्होंने रॉ मटेरियल मंगाए हैं तो उनका एक सेंट्रल वेयर हाउस होगा बड़ा सा देन उन्होंने uh, क्या बोलते हैं हैंडल्स कहीं और स्टोर रखे हैं सेक्शन ए में सेक्शन बी में इंजन uh, स्टोर रखा है सेक्शन सी में दिस फिर फाइनली वहां से वो ले आके उसको क्रिएट करेंगे असेंबली करेंगे लेट्स अंडरस्टैंड, तो वो एक वेयरहाउस हो गया आपके घर में स्टोर रूम जहां पे आप अलग अलग चीजें स्टोर करते हो विच एवर यू डोंट नीड फॉर द कर बी फॉर लॉन्ग टर्म सिमिलरली यहाँ पे डेटा में भी हमें चीजें स्टोर करनी पड़ती है राइट तो यहाँ पे प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में जो स्टोर करते हैं ना जिस जगह को जिस जगह को आप फैक्ट्रीज में वेयर हाउस बोलते हो घर में स्टोर रूम बोलते हो यहाँ पे हम इसको बोलते हैं लाइब्रेरीज और ये लाइब्रेरी टर्म सिर्फ साइस में नहीं ये ग्लोबली आपको यूज होगी किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लाइब्रेरीज एक लोकेशन होती है जहां पे चीजें स्टोर की जाती हैं ओके इट्स लाइक ये फिजिकल तो नहीं होती पर वर्चुअल होती है बट यहाँ पे अब यहाँ पे आप क्या स्टोर करोगे सामान तो स्टोर नहीं करेंगे यहाँ पे हम क्या स्टोर करते हैं डेटा राइट तो लाइब्रेरीज़ में आप डेटा स्टोर करते हो किसी भी लाइब्रेरी में कोई भी लैंग्वेज में बिकॉज वी नॉट स्टोर हेयर फिजिकल थिंग्स फिजिकल चीजें स्टोर नहीं कर सकते हैं. तो हम डेटा पे काम करते हैं सो विल बी स्टोरिंग डेटा तो बॉक प्रिंट डेटा हमने लिखा कि अ लाइब्रेरी उसके सिंबल दिया, उसके हमने क्लास लिखा. तो क्लास क्या है जिसमे मैनुफेक्चरिंग समझो व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो उन्होंने हैंडल्स अलग रखे हैं इंजन अलग रखा है तो आपको कौन सा उस लाइब्रेरी में किसी को वर्कर को बोलना है कि भाई आप जाके ये लाओ तो आप बताओगे ना क्या लेके आना है तो आपके लाइब्रेरी आपने बता दिया कि है बट आपने ये नहीं बताया क्या चाहिए तो आपने बता दिया क्लास तो क्लास का एक डेटा सेट है आपने उस लाइब्रेरी में क्लास डेटा स्टोर किया हुआ है जैसे फिजिकल जो भी वेयर हाउस या स्टोर रूम होता है आप उसमें स्टोर करते हो जो भी चीजें तो वो जो भी मंगानी है आपको नेम देना पड़ेगा राइट व्हाट इज द प्रोडक्ट यू वांट टू कॉल मतलब बाहर निकालनी है अगर किसी और को बोल रहे हो तो आपने बोला सैस सह हेल्प लाइब्रेरी में से क्लास डेटा मुझे प्रिंट करना है फिर क्योंकि ये सॉफ्टवेयर है उसे नहीं पता चलता कब स्टार्ट करना है एंड व्हेन टू स्टॉप देन यू हैव गिवन अ सिंबल सेमी कॉलम सेमी कॉलम इसलिए यूज होता है टू स्टॉप स्टेटमेंट को एंड करने के लिए और जब भी आपको प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना होता है देन यू एट लास्ट यू नीड टू राइट रन आपने रन लिखा अगेन सेमी जब भी क्लोज करना होता है स्टेटमेंट को एंड सेमी देते हो देन फाइनली जब उसे एग्जीक्यूट करना है तो वो दोनों लाइन जितनी भी आप जो भी प्रोग्राम को रन करना है आप उस लाइन को सेलेक्ट करोगे और यू कैन सी आपको एक रनिंग सिंबल दिख रहा होगा ओके आई ह्यूमन रनिंग वहाँ पे आप क्लिक करोगे सो द प्रोग्राम विल एग्जीक्यूट और जो भी आपने परफॉर्म किया होगा परफॉर्म हो जाएगा तो अभी जिन चीज़ों की हमने बात की लाइब्रेरीज तो अस सी कि ये जो डेटा है वो कहाँ से कॉल हुआ कैन सी लेफ्ट हैंड साइड बॉटम में लाइब्रेरीज़ लिखा हुआ है कैन सी so ये जो लाइब्रेरी है ना ये सैस ने बाय डिफॉल्ट आपको क्रिएट करके दिए क्यों क्रिएट के दिए ताकि आप इनको यूज करके मैनिपुलेशन कर सको सीख सको या किसी चीज के लिए ओके okay? तो हम इसमें जो मोस्टली लाइब्रेरी यूज करते हैं वो है सेस हेल्प क्लिक ऑन सेस हेल्प लाइब्रेरी देख सकते हो उसके अंदर बहुत सारे डेटा सेट हैं ओके okay, हम भी हमने अभी उसमें से एक डेटा सेट को कॉल किया दैट इज क्लास गो डाउन शो अस द डेटा सेट यू कैन सी हियर इसी डेटा सेट को हमने प्रिंट किया था, था. है वहां पे ये ऑलरेडी क्रिएटेड था वहां पे था ठीक है सो दिस इज लाइब्रेरी और ये उसके अंदर का डेटा इसलिए हमने बोला कि सेस हेल्प लाइब्रेरी में क्लास डेटा है क्योंकि देख सकते हो सैसे लाइब्रेरी में बहुत सारे डेटा सेट्स है तो आपने पीरियड सिंबल के बाद क्लास दिया और पीरियड सिंबल बीच में क्यों दिया टू मेक अंडरस्टैंड दिस टू आर डिफरेंट थिंग ये क्या है लाइब्रेरी है उसके बाद पीरियड पीरियड सिंबल के बाद आपने क्या दिया डेटा सेट कौन सा डेटा कॉल करना है उस लाइब्रेरी में से ओके पीरियड सिंबल उन दोनों को सेपरेट करता है लाइब्रेरी और डेटा सेट को दैट्स अ थिंग नाउ द क्वेश्चन इज कि uh, क्या हम खुद की लाइब्रेरी क्रिएट कर सकते हैं? जैसे रियल वर्ल्ड में हम डिसाइड लैंड लेके एक करके हम वहाँ पे वेअर हाउस क्रिएट करते हैं अपने घर में भी अगर घर पहले से है तो आप डिसाइड करते हो कि मतलब यहाँ पे वेयरहाउस मतलब स्टोर रूम होगा मेरा नाउ लेटेस्ट सी कि हम खुद की लाइब्रेरी कैसे क्रिएट कर सकते हैं सो कम बैक टू कोडिंग विंडो गो डाउन एंड जब भी हम एक कोड पूरा करते हैं तो उसके बाद हम बीच में एक रो का स्पेस छोड़ते हैं नाउ okay, हमें लाइब्रेरी क्रिएट करनी है ओके okay, एक लोकेशन जहां पे हम हम खुद के डेटा हम स्टोर कर सकें ओके सो फॉर दैट विल राइट लिब नेम Yeah, Lib name N -A -M -E. Perfect. So Lib name. So whenever we are writing in SAS, it means something. It means you are telling something to SAS to perform. So what does uh, Lib name mean guys? We are simply telling to SAS keep I library create. OK, so we can store the files.

सो so, जैसे आप देख सकते हो माय लाइब्रेरीज में बहुत सारी लाइब्रेरीज आ रही है जैसे हमने सहसेल्ब लाइब्रेरी को कॉल किया था वैसे ही अब एक लाइब्रेरी क्रिएट होगी अनुप बट हमें कोई भी आप लैंड एक्वायर करते हो तो वो लैंड का नाम तो होता ही है कि, कि किस लोकेशन पे है बट एक पर्टिकुलर लोकेशन होती है ना इतने लैटीट्यूड पे या इतने किलोमीटर यहाँ से इतना है तो यहाँ पे भी आपको लोकेशन देना पड़ता है तो वो फिजिकल लोकेशन होता है बट ये वर्चुअल लोकेशन है ठीक है तो गिव स्पेस अभी अब क्योंकि आप ये जो सैस यूज कर रहे हो ये स्टूडियो uh, वर्जन है स्टूडियो वर्जन मींस वर्चुअल वर्जन ओके तो आपकी जो फाइल होगी वो भी वर्चुअल होगी लोकेशन भी सो गो टू सर्वर सर्वर फाइल्स एंड फोल्डर लेफ्ट हैंड साइड टॉप गो टू टॉप या सो दिस इज सर्वर फाइल्स एंड फोल्डर मीन्स ये वर्चुअल फाइल्स एंड फोल्डर है जैसे जैसे आपके कंप्यूटर में फिजिकल है ओके क्लिक ऑन फाइल्स फाइल्स क्लिक ऑन द एरो द एरो नाउ वट यू कैन डू इन द फाइल्स या तो आप डायरेक्टली पात दे सकते हो फाइल्स का पात दे सकते हो या तो आप वहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट कर सकते हो क्योंकि आप चाहोगे कि मैं एक फोल्डर क्रिएट करूँ वहाँ पे ही सारी चीजें हैं सो ना डू वन थिंग क्लिक या नो क्लिक ऑन दिस सैस यूजर राइट राइट हैंड साइड क्लिक नाउ न्यू क्लिक ऑन न्यू फोल्डर Means you are creating a folder inside a folder. Means you user user a folder folder. create you folder you can give uh, uh, just keep it new folder. That is fine. Any name you can give it. OK, save. Now again, click uh, right click on this file. Properties. Properties. Last option. Just copy this location. Location. Control C and close it. And just after Anu, paste it. सो वेन एवर वी आर गिविंग पाथ वो हमें इनवर्टेड कॉमा के अंदर देना होता है सो गिव इन कॉमा डबल इनवर्टेड कॉमा एट द बिगिनिंग ऑफ द पाथ एंड एट द एंड एज वेल जस्ट आई थिंक या दिस वन करेक्ट निव सेमी कॉलम

काम कराना चाहते हो यू आर टेलिंग दम इन लैंग्वेज सो लिबने लाइब्रेट टू क्रिएट अर शुड नेम लाइब्रेरी का कुछ name होना चाहिए. Then, you have given a name, फिर उसकी कोई लोकेशन होनी चाहिए कि कहाँ पे वो चीजें स्टोर होंगी ठीक so, है? ऑन द रन सिंबल सेकेंड सी यहाँ पे नोट में लिखा हुआ आ रहा है लिप ब्रेफ अनूप वॉज सक्सेसफुली असाइंड सो अब हमें कैसे पता चलेगा कि वो क्रिएट हो गया कि नहीं तो जहाँ पे सारी लाइब्रेरीज होती हैं, हम वहाँ पे चेक करेंगे सो अगेन क्लिक ऑन लाइब्रेज लेफ्ट हैंड साइड बॉटम क्लिक ऑन माई लाइब्रेरी चेक अनुप इज कमिंग सेकेंड सी याइज

so by the word itself we can understand what does it mean by permanent and what does it mean by temporary permanent ka matlab or temporary ka matlab permanent means jo hamesha rahe. temporary means jo time tak rahe. okay so let us understand this uh, the difference between temporary and permanent by writing a code now go to coding window now write data okay now write a name any name write exp1 and give semicolon Now, next line, mein likho, set and sassl.class. SCT set, then space, sasshelp.class. Same way, you have to dot sassl.class. Then write run in the next line and again, semicolon. कुछ लिखा है एवरी टाइम यू आर राइटिंग आप कुछ ना कुछ परफॉर्म कर रहे हो और कुछ ना कुछ जो ब्लू कलर में आ रहे हैं इट मींस दैट इज अ पार्ट ऑफ सेंटेक्स आप इट मींस यू आर टेलिंग समथिंग टू से हमने लिखा है डेटा सो कैन एनी वन टेल मी हमने डेटा क्यों लिखा है वहां पे We want to add some data in library. Yeah, yes, that is correct. That is also correct. Yes. Yeah, to create data. To create data. Okay. So actually, you are writing data to tell us that I want to create a new. डेटा क्रिएट अटा देन इफ यू आर क्रिएटिंग अ न्यू डेटा अगर आप नया डेटा क्रिएट कर रहे हो तो डेटा का कुछ नेम होता है जैसे ह्यूमन का नेम होता है तो डेटा का कुछ ना ने कुछ नेम होगा सो वी हैव गिवन एक्सपी वन ओके आप कोई भी नेम दे सकते हो ओके okay? बट हमेशा इस चीज में ध्यान रखना जब भी डेटा का नेम देते हो डेटा नेम शुड नॉट स्टार्ट विथ न्यूमरिक नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए इट शुड ऑलवेज स्टार्ट जो फर्स्ट जो ई e है ना ई e की जगह वन नहीं आना चाहिए okay? जो फर्स्ट पोजिशन पे होगा जब भी, भी आप डेटा का नेम दे रहे हो इट शुड ऑलवेज स्टार्ट विथ कैरेक्टर बाद में आप दे सकते हो न्यूमरिक सो वी है डेटा का नेम देना था तो exp1 हमने क्यों दिया सिंपली हमने एग्जाम्पल वन ऐसे ही एज्यूम करके उसको दिया। फिर फिर ने पूछा अच्छा डेटा का नाम बताओ आपने डेटा का नाम बताया मुझे ये नाम रखना है ई एक्सपी वन देन सैस को ये नहीं पता कि कब स्टॉप करना है स्टेटमेंट वो पर्टिकुलर डेटा लिख के आपने उसे बोला था ना नेम क्रिएट करने के लिए वो आपने एंड किया सेमी कॉलम से

हम क्या कर रहे हैं एक पुराने डेटा सेट को कॉल करके उसको नए डेटा सेट जो हम क्रिएट कर रहे हैं उसमें स्टोर कर रहे हैं में ओके देन अगेन सेमी कॉलम स्टेटमेंट को एंड करने के लिए देन रन जब भी हमें एग्जीक्यूट करना रहता है हमें जो लास्ट लाइन होती है उसमें लिखना होता है लास्ट रो में रन एंड देन सेमी कॉलम सो विल सेलेक्ट दिस थ्री लाइंस एंड क्लिक ऑन द रन सिंबल

सो so, एक डिफरेंस होगा कि सर आउटपुट विंडो में और रिजल्ट विंडो में दोनों में ही डेटा सेट दिखते हमें तो दोनों में डिफरेंस क्या है दो विंडो क्यों है मर्ज करके एक क्यों नहीं कर देते द सिंपल वे इज आउटपुट डेटा सेट में हमें प्रॉपरली नहीं दिखता ओके रिजल्ट विंडो में हमें प्रॉपरली प्रिंटेड वे में दिखता है इट विल बी कमिंग इन प्रिंटेड वे ओके दिस विल बी द डिफरेंस अगेन गो टू कोडिंग विंडो ओके अभी हमने ये डेटा सेट रन किया तो कहीं ना कहीं तो स्टोर हुआ होगा कोई भी चीज आप लाइफ में कोई भी एक वस्तु लेते हो कोई ना कोई उसकी लोकेशन आप कहीं ना कहीं तो उसे रखते हो राइट तो बट यहां पे आपने एक्सपी वन डेटा क्रिएट किया तो आपने इसे ये नहीं बताया कि इसे रखना कहां पे कौन सी लाइब्रेरी में तो बाय डिफॉल्ट एक लाइब्रेरी होती है वर्क अगर आप ये डिफाइन नहीं करते कि वो डेटा कोई भी जो क्रिएट कर रहे हो वो कहाँ स्टोर करना है तो बाय डिफॉल्ट कौन सी लाइब्रेरी में जाएगी वर्क लाइब्रेरी में क्लिक ऑन माय लाइब्रेरीज Create न सी द लास्ट लाइब्रेरी वर्क क्लिक दर यू केन सी जो ई एक्सपी वन डेटा हमने क्रिएट किया ना ये बाई डिफॉल्ट वर्क लाइब्रेरी में चलेगी और वर्क लाइब्रेरी को ही हम बोलते हैं टेम्प्ररी लाइब्रे वर्क लाइब्रेरी को टेम्प्रेरी लाइब्रेरी क्यों बोलते हैं क्योंकि जब ये सिस्टम क्लोज करोगे तो वर्क लाइब्रेरी में जो भी डेटा सेट है वो चला जाता है बट अगर आपने लिबनेम यूज करके कोई लाइब्रेरी क्रिएट किया हो और उसके अंदर डेटा स्टोर करते तो वो डेटा वहां परमानेंटली रहता है ठीक है नाउ लेट्स सपोज ये जो डेटा हमने अभी क्रिएट किया exp1 जो कि कॉल करके क्लास डेटा को कॉल करके क्रिएट किया ये हमें परमानेंटली स्टोर करना है अनुप में अनुप लाइब्रेरी जो हमने टॉप पे क्रिएट किया है वो भी एम्प्टी है शो अस द अनुप लाइब्रेरी यू कैन सी अनुप लाइब्रेरी में कुछ भी नहीं आ रहा क्योंकि कोई डेटा ही नहीं है हमने जस्ट अलेवन लाइन पे यू कैन सी अनुप नाम की लाइब्रेरी क्रिएट की थी ठीक है लाइब्रेरी क्या होती है एक लोकेशन जहां पे डेटा आप स्टोर करते हो और आप कोई भी लोकेशन नहीं बताओगे तो बाय डिफॉल्ट कोई भी डेटा क्रिएट करोगे तो वर्क लाइब्रेरी में जाएगी इज लाइब्रेरी नाउ लेट सी कि हम सेम डेटा अनूप लाइब्रेरी में कैसे स्टोर कर सकते हैं नाउ डू वन थिंग कॉपी दिस थर्टीन लाइन टू फिफ्टीन लाइन एंड पेस्ट डाउन कॉपी दिस एंड पेस्टेड डाउन एट सेवनटीन लाइन क्लिक ऑन सेवनटीन लाइन एंड कंट्रोल वी परफेक्ट अभी दोनों का डेटा सेट नेम सेम है तो हम नेम कभी भी डेटा का नेम सेम नहीं रखते डेटा नेम एंड कॉलम नेम कभी भी रिपीट नहीं होनी चाहिए ठीक है अगर ये डेटा नेम और ऊपर डेटा नेम सेम होगा तो क्या होगा ये पिछले वाले को रिप्लेस कर देगा रन करने पर तो यहाँ पी वन की पे की जगह लिख दो लाइन पे सो अगर मैं इसे डायरेक्टली अभी रन करता हूं तो ये कौन सी लाइब्रेरी में जाएगा वर्क लाइब्रेरी वर्क लाइब्रेरी में क्योंकि आपने कुछ डिफाइन नहीं किया इस डेटा को कहा स्टोर करना है तो वो टेम्प्रेरी लाइब्रेरी में जाके स्टोर हो जाएगा टेम्प्रोरी लेकिन अगर सपोज कि हमें अनुप लाइब्रेरी जो हमने क्रिएट किया है उसमें स्टोर करना है ठीक है तो जैसे अनुप ध्यान से देखो या सभी ध्यान से देखो 18 लाइन पे सैस हेल्प क्या है हेल्प। एक लाइब्रेरी है ना जो बाय डिफॉल्ट ने दी हुई है राइट और क्लास क्या है उसके अंदर डेटा सेट है सिंपल राइट right? एक लाइब्रेरी एक लोकेशन है उसके अंदर क्लास डेटा सेट है सिमिलरली सेवेंटी लाइन पे ध्यान से देखो डेटा के बाद हमने लिखा EXP2, तो EXP2 क्या है तो उसके पहले अगर आपको समझो कि इसको अनुप लाइब्रेरी में स्टोर करना है आपने आगे कुछ नहीं दिया है तो वो स्टोर हो रहा है वर्क लाइब्रेरी में डिफॉल्ट लेकिन अगर उसको अनुप लाइब्रेरी में स्टोर करना है तो हम क्या करेंगे सेम नीचे देखो और ऊपर देखो फिर एटीन लाइन पे देखो हमने कैसे कॉल किया है उसी वे में ऊपर क्रिएट भी होगा एटीन लाइन पे सैस लाइब्रेरी है पीरियड सिंबल के बाद क्लास है क्लास क्या है डेटा सेट है सिमिलरली सेवनटीन लाइन पे जो क्रिएट कर रहे हो exp2 एक डेटा सेट है तो अगर इसको अनुप में स्टोर करना है तो हम सिंपली exp2 के जस्ट पहले हम लिखेंगे अनुप और दोनों के बीच में एक सिंबल आएगा जो सेपरेट करेगा लाइब्रेरी और डेटा सेट को कौन सा सिंबल है पीरियड सिंबल पेरेट सिंबल या यू कैन सी करने का क्रिएट करने का दोनों का लॉजिक सेम है तो अब क्या होगा आपने बोला मुझे डेटा क्रिएट करना है सेवेंटी नाइन पे डेटा लिखा व्हाट डज इट मीन बाय मुझे डेटा क्रिएट करना है डेटा का नेम क्या है अनुप ठीक है अनुप फिर आपने पीरियड सिंबल क्यों दिया ताकि डिफ्रेंशिएट कर सको कि ये लाइब्रेरी थी ठीक है अनुप लाइब्रेरी है अब इसके बाद मैं डेटा सेट नेम दूंगा तो आपने ये बता दिया कि डेटा जाएगा कौन सी लाइब्रेरी में अब आप डेटा का नेम दे रहे हो तो पीरियड सिंबल के बाद डेटा का नेम दिया आपने ईएक्सपी टू यानी अनुप लाइब्रेरी में ई एक्सपी टू डेटा सेट क्रिएट हो जाएगा ओके नाउ रन दिस एंड विल सी इन अनूप इट इज गोइंग और नॉट it's it's there sir okay that's great exp did hmm so you can see here now in anup library one data is coming exp2 kyunki abhi humne jo data create kiya uske aage define kiya tha that where you need to store और आगे नहीं define करते तो by default it will go to again work work library ठीक है दोनों तो में difference क्या है वर्क जब ओपन करोगे अगर सिस्टम बाय डिफॉल्ट समझोगी लाइट चली गई तो वर्क में से डेटा चला जाएगा ओके okay? लेकिन अनूप में अगर आपने अनूप को क्या बोलेंगे हम परमानेंट लाइब्रेरी राइट तो अनूप में जो जो आप स्टोर कर रहे हो लाइब्रेरी लाइब्रेरी अनूप में है वो परमानेंटली रहेगा इवन लाइट चली जाएगी तो भी यू विल रन इट एंड यू विल गेट इट सो एक्चुअल में स्टोर कैसे रहता है एक्चुअल में ये दिख तो आपको यहाँ रहा है बट जहां आपने पाथ दिया है ना अनूप वहां पे जाके स्टोर होता है परमानेंटली आपने पाथ कहां पे दिया था सर्वर फाइल्स एंड फोल्डर में पाथ दिया था क्लिक देर yes, देखो yes, वहां पे भी एक न्यू फोल्डर के अंदर फाइल आ रहा है एक्सपी टू एंड एक्सपी टू के बाद क्या लिखा आ रहा है डॉट सैस सेवन बी ए डी सेवन बी ए क्या होता है एक्सटेंशन हर फाइल का एक्सटेंशन होता है राइट right? यस yes. जैसे कि टेक्स्ट फाइल का क्या होता है टी एक्स hmm. इमेज फाइल का भी एक एक्सटेंशन होता है हर फाइल का एक एक्सटेंशन होता है हर फाइल को देखना 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 ना कभी भी हाँ तो अलग अलग एक्सटेंशन होते हैं तो सैस फाइल का एक्सटेंशन है ये एक्चुअली ओके इसके लिए डॉट के बाद ये लिखा हुआ रहा है सो दैट्स वाई परमानेंट क्योंकि आपने यहाँ पे पाथ दिया था तो परमानेंटली जाके अनुप वहां पे स्टोर हो जाता है तो जब भी वो लाइब्रेरी को रन करोगे ना तो उसके अंदर जो भी फाइल होगी वापस लाइब्रेरीज में आ जाएगी अगर लाइट गई या सडनली बंद हुआ बट वर्क लाइब्रेरी में जो गया होगा वो वापस नहीं आएगा क्योंकि वो कहीं लोकेशन पे नहीं किया गया था अगेन गो टू कोडिंग विंडो एंड जो भी अभी हम सीख रहे हैं दिस इज द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ये हर जगह हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप सैस आर पाइथन या एवरीवेयर ये दिस इज गोइंग टू बी कॉमन ओके नाउ लेट अस सी वन मोर थिंग कि अगर डेटा क्रिएट करना हो एक सिंपल डेटा तो कैसे क्रिएट करते हैं तो जस्ट राइट डेटा कभी भी डेटा क्रिएट करना हो तो पहला वर्ड तो हमें फॉर श्योर डेटा लिखना पड़ेगा क्योंकि सैस को हम क्या बोलते हैं उससे

एंड देन सेमी कॉलम क्योंकि उसे स्टेटमेंट को एंड करना पड़ेगा क्योंकि जब हमने डेटा बोला तो कुछ एग्जीक्यूट कुछ सेस को हमने बोला कि डेटा क्रिएट करना है देन डेटा का नेम हमने दिया डेटा का नेम देना पड़ता है देन वी हैव एंड द स्टेटमेंट विद सेमी कॉलम नाउ विल गो टू नेक्स्ट लाइन अब समझो कि आपको डेटा क्रिएट करना है सेस में ऊपर तो आपने क्या किया था डेटा कॉल किया था एक जगह से ठीक है तो यहां पे अगर आपको डेटा क्रिएट करना है तो डेटा में क्या चीजें होती है अभी हमने डिस्कस किया था बिगनिंग में रूज एंड कॉलम रूज एंड कॉलम्स पर उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या बोलते okay. हैं किसी भी वेरिएबल वेरिएबल एंडियबलिएब्जर्वेशन ओके थिंग बट कॉलम नेम्स राइट सो वो हमें अभी क्रिएट करना है वेरिएबल तो सैस को हमें कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा बिकॉज सैस डर आवर लैंग्वेज तो आप वेरिएबल लिखोगे तो उसे समझ नहीं पड़ेगा तो वेरिएबल मुझे क्रिएट करना है हाउ वी कैन राइट इन सैज फॉर दैट विल राइट इनपुट Okay. Then, अब हम कुछ variable create करेंगे। तो variable का name देना है। आपने input से size को क्या बोला? प्रोग्रामिंग में variable बोलते हैं, में कॉलम नेम बोलते हैं या कॉलम्स हर कॉलम के अंदर उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन कंटेन करती है सो so, इनपुट से आपने बोला मुझे वेरिएबल क्रिएट करना है अब वेरिएबल तो आपने क्रिएट करने बोल दिया बट वेरिएबल का कुछ नाम होगा राइट right? सम वेरिएबल तो पहले वेरिएबल का नेम देते हैं आईडी समझो किय का डेटा हम क्रिएट कर रहे्लॉय तो आईडी है फिर नेम एच देन सेक्स अब हमने बिगनिंग में सीखा था कि डेटा के टाइप होते हैं तो डेटा के कितने टाइप होते हैं, दैट इज आल्सो करेक्ट बट हमने जो सेशन में देखा था गाइस थ्री टाइप्स कैरेक्टर स्पेशल कैरेक्टर करेक्ट ठीक है डेटा को हम ऐसे क्लासिफाई कर सकते हैं कैरेक्टर न्यूमेरिक एंड स्पेशल कैरेक्टर में तो अभी ध्यान से देखो अभी आपने वेरिएबल क्रिएट किया है. तो हर वेरिएबल में अलग-अलग टाइप -अलग का डेटा होगा आईडी में कौन सा डेटा होगा न्यूमेरिक न्यूमेरिक क्यों न्यूमेरिक नंबर्स नंबर से आईडी बनती है करेक्ट नंबर से आईडी बनती है जैसे 101 102 ऐसे आईडी होती है यूनिक फिर नेम नेम कौन से तरह का डेटा होगा कैरेक्टर कैरेक्टर तो जब भी न्यूमेरिक डेटा होता है ना तो बाय बाय डिफॉल्ट डिफॉल्ट न्यूमेरिक वेरिएबल होता है है तो समझ जाता बट जब भी कैरेक्टर वेरिएबल क्रिएट कर रहे हो ना तो सैस को बताना पड़ता है क्योंकि उसे बाय डिफॉल्ट नहीं पता चलता क्योंकि वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो आपको जो नेम वेरिएबल है क्योंकि वो कैरेक्टर है तो उसके सामने एक सिंबल देना पड़ेगा दैट विल बी डॉलर

क्योंकि बाई डिफॉल्ट समझ जाता है अगेन एज के बाद कौन सा वेरिएबल है सेक्स क्योंकि कैरेक्टर कैरेक्टर है तो अगेन कैरेक्टर डेटा कैरेक्टर वेरिएबल के लिए हमें क्या सिंबल देना पड़ता दे है वहां पेम्बल देना पड़ता है डॉलर राइटर गिव इट डॉलर सिंबल तो गैस अगर ये चीज़ आप भूल जाते हो ना मतलब ये कॉमन चीज़ है कि अगर भूल भी जाते हो कि कैरेक्टर के सामने या न्यूमेरिक के सामने किसके सामने सिंबल देना था किसके सामने नहीं तो हमेशा एक चीज़ ध्यान में रखना इंसान के कैरेक्टर हमेशा उसके आज के टाइम पे किससे जज किए जाते पैसे से पैसे से और आज के टाइम पे सबसे स्ट्रॉन्ग करेंसी कौन सी है डॉलर बस

बट वी मेनटेन वन स्पेस टू लिक लुक एस्थेटिक प्रॉपर दिखे वो दट दिश टू आर डिफरेंट थिंग राइट डॉलर का मतलब कुछ अलग है और सेमी कॉलम किसी और काम के लिए okay. Okay. So, हमने अब वेरिएबल क्रिएट कर दिया अब क्या बाकी रह गया डेटा के लिए Observation. ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन राइट आपने वेरिएबल यानी कॉलम के नेम डिफाइन कर दिए कि आईडी है नेम है एज e लेकिन उसके अंदर ऑब्जर्वेशन डेटा राइट तो अगेन जब वेरिएबल क्रिएट करने के लिए कॉलम नेम क्रिएट करने के लिए आपने साइंस को बोला इनपुट सॉफ्टवेयर को सिमिलरली ऑब्जर्वेशन के लिए भी हम कुछ बोलते हैं ठीक है टू एग्जीक्यूट करने के लिए साइंस को पता चले तो आप लिखोगे कार्ड्स सी ए आर डी एस Now close this with semicolon and go to next line. Now अब हमने पहले कौन सा variable define किया input में ID ID आई तो आई डी यानी समझो कि एम्प्लॉय की आई डी है तो अब एक काम करो वर्टिकल में एक के बाद एक डाउन साइड एक आईडी क्रिएट कर दो वन जीरोन नेक्स्ट लाइन में वन जीरो टू ऐसे फाइ आई क्रिएट कर दो डेटा ऐसे ही दिखता है राइट ऊपर कॉलम के नेम और नीचे उसके अंदर डेटा बट यहाँ पे हमने और चीजें लिखी है डेटा क्योंकि हम ये सब क्रिएट कर रहे हैं इसलिए डन okay. सर अब आपने आईडी के लिए डेटा क्रिएट कर दिया डेटा यानी मतलब इसको 101 से 105 तक हम क्या कहेंगे इसको अगर पूरे को बद बोलना है ना तो कितने वो हैं तो कितने है तो हम रिकॉर्ड्स बोलेंगे राइट कितने कितने टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड रिकॉर्ड है तो है आईडी के अंदर Five. लेकिन Point. एक पर्टिकुलर को बोलना होगा ना एक पर्टिकुलर Record. तो उसको हम बोलते हैं ऑब्जर्वेशन ओके अब पूरे को बताना हो तो काउंटिंग में बताते हैं लाइक नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स ऐसा आपने सुना होगा टोटल yes, नंबर ऑफ yes. रिकॉर्ड्स बट एक पर्टिकुलर को बोलना होगा तो उसको हम बोलते हैं ऑब्जर्वेशन या ऑब्जर्वेशन भी बोल सकते हो पूरे को भी

सो नाउ अभी उसके बाद किसका डेटा आएगा एज का राइट नाउ देल एंड कभी भी हमें दो जो डेटा के बीच में दो डिफरेंट टाइप का डेटा है उसके बीच में एक सिंबल सिंगल स्पेस ही मेंटेन करनी है सो मेक श्योर आपने हर डेटा के बीच में एक सिंगल स्पेस ही दी है ओके okay, सर वो सिंगल स्पेस भी क्यों देते हैं सॉफ्टवेयर को पता चलता है कि ये एक एक वेरिएबल का डेटा है फिर स्पेस के बाद दूसरे वेरिएबल का डेटा है स्पेस के बाद उसे पता चलता है दैट इज यूज्ड टू जस्टिफाइड और एज के बाद सिमिलरली हमारे पास किसका रेट है सेक्स राइट सो यू कैन इन गिव इन सिंपल वे लाइक मेल और ईमेल फीमेल को और एफ या सर तो गई अभी हमने यहाँ पे वेरिएबल यानी कॉलम नेम भी डिफाइन कर दिए इज आई डी नेम एज सेक्स ठीक है फिर हमने ऑब्जर्वेशन भी डिफाइन कर दिए ठीक है हमने फाइव रिकॉर्ड क्रिएट किए हर वेरिएबल के लिए आईडी के लिए अगेन हम इसके बाद नेक्स्ट लाइन में सेमी कॉलम देंगे ओके okay? सो so आपने यहाँ पे सेमी कॉलम दिया इट मीन यू आर एंडिंग जितना आपको ऑब्जर्वेशन क्रिएट करना था आप क्रिएट कर चुके हो अभी लास्ट लाइन में हम हमेशा क्या लिखते हैं गो टू नेक्स्ट लाइन एंड राइट रन गाइस हमने सेमी सेमीकोलन क्यों दिया यहाँ पे टू एंड अप टू एंड द कंप्लीट कमांड टू एंड द कमांड और टू एंड द स्टेटमेंट या तो अभी विल uh, सेलेक्ट we'll 21 से लेकर 30 लाइन तक विल सेलेक्टेड एंड विल क्लिक ऑन द रन सिंबल डन ठीक है सो गाइस यू कैन सी आपने सैस में इस सॉफ्टवेयर में डेटा क्रिएट कर दिया है यू कैन सी हियर ओके आईडी में आईडी आ रही है वन जीरो वन सेवन जीरो फाइव नेम में नेम एज देन सेक्स ओके नाउ अगेन गो टू कोडिंग विंडो ओके Now, अब suppose, uh, अनुप हमें सेम डेटा को रिजल्ट विंडो में देखना है प्रॉपरली सो विल राइट प्रिंट करने के लिए हम क्या कोड लिखते हैं प्रॉक प्रिंट राइट राइट प्रॉक प्रिंट डेटा इक्वल टू और डेटा का नेम तो यहाँ पे हमें कौन सा डेटा प्रिंट करना है क्या नाम है exp3 write that and semicolon yeah then semicolon close karne ke liye fir next line mein again hum run likhenge and then semicolon और कभी भी हम दो डेटा या कुछ भी create करते हैं तो हम उसके बीच में एक सिंगल रो का स्पेस रखते हैं अगेन नहीं रखते हैं, वो तो भी चलता है बट इट लुक्स गुड राइट लॉन्ग टर्म में आपको खुद को समझना है या किसी और को भी समझना है ऐसा हम क्यों फॉलो करते हैं अच्छे वे में क्यों लिखते हैं क्योंकि कभी कभी क्या होता है कंपनीज में आप एक कंपनी में काम कर रहे हो आपको हाइक मिल गया एक कंपनी में आपको कुछ लगा कि नहीं मुझे दूसरी कंपनी में जाना एक्स एक्सवाइड जेड रीजन की वजह से तो आप ये कंपनी छोड़ने वाले तो जो नेक्स्ट बंदा आएगा तो नो मैटर कि उनका लेवल ऑफ नॉलेज कैसा होगा क्योंकि आपने एस्थेटिक वे में पूरी प्रोग्रामिंग की होगी प्रॉपर वे में तो उनको इजी टू अंडरस्टैंड होगा ओके okay? और आपको भी लॉन्ग टाइम में आप खुद के कोर्ट जाके देखोगे तो भी आपको समझ आएंगे प्रॉपरली सो गाइस फॉर टुडे दिस मच ओनली आज सिर्फ हम इतना सीखेंगे एंड जस्ट गिव मी वन मिनट आई होप आप सभी को डाउट भी होंगे काफी सारे आज जो हमने सीखे नो no डाउट हमने जीरो से ट्राई किया तो वो डाउट भी हम लेंगे ओके okay? लेकिन पहले आप जो आज हमने सीखा है ओके okay? तो इसको प्रैक्टिस करो अपने सिस्टम में फिर अगेन आपको कुछ चीज़ें बिकॉज ये कोड uh, जो हमने कोड लिखा है एंड ये रिकॉर्डिंग द होल सेशन इज गेटिंग रिकॉर्डेड ये आपको पूरा रिकॉर्डेड सेशन भी मिलेगा ओके फ्रॉम टुडे टिल एंड ऑफ द डे मतलब जब तक हम पढ़ रहे हैं तो अगेन ये सारी चीजों को ट्राई करो एग्जीक्यूट करो क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करोगे ना अपने सिस्टम में तब आपको लॉजिकल डाउट आएंगे और तब शायद आपके काफी डाउट प्रैक्टिस जब खुद एग्जीक्यूट करने जाओगे तो क्लियर भी हो चुके होंगे सो वी कैन टेक द डाउट इन द बिगनिंग ऑफ द सेशन इट और जो भी आपके डाउट जहां पे भी होते हैं समझो कि पी में डेटा में डाउट है एक्सपी में तो जस्ट उसके ऊपर आप वो डाउट लिख लोगे क्योंकि कभी कह क्या होता है कि हम खुद भी भूल जाते हैं हमारा क्या डाउट है तो आप देख सकते हो वन टू तो सिक्स लाइन पे हमने कमेंट कर दिया था राइट वैसे ही आप यहाँ पे कुछ भी लिख के कमेंट कर सकते हो तो जहां पे भी डाउट है वहां पे लिख दो उस डेटा के ऊपर आसपास और उसे कमेंट कर दो ओके एंड लेट्स सपोज किसपी थ्री डेटा है ओके तो एक्सपी थ्री डेटा में हमें डाउट है व्हाई वी हैव गिवन डॉलर डॉलर सिंबल सिंबल क्यों दिया समझ में नहीं आ रहा आप भूल गए समझो सपोज रिकॉर्डिंग में भी आपको देख के भूल गए देखना भूल गए फर्स्ट फॉरवर्ड कर दिया तो आप उसके बाद अगर वो डाउट रह गया आपको ठीक है तो आप ट्वेंटी लाइन पे लिखोगे जो आपका डाउट है सो so, वहां पर लिखो अनुप वाई वी है ट्वेंटी लाइन पे At the top hmm. 20 line, pabliko, why we have given dollar symbol after name variable in 22nd row. Now select this row and comment it. Comment it, Matlab, sir.

नीचे के कोड आपके एग्जीक्यूट नहीं होंगे एरर आएंगे ओके oh. okay? तो आप कमेंट yes. कर देते हो तो क्योंकि ये कोडिंग विंडो बना है सिर्फ कोड लिखने के लिए और चीजों के लिए नहीं बाकी चीजों को क्योंकि ये इंग्लिश के वर्ड्स हैं आपने अपनी भाषा में लिखा है इंग्लिश में या जो भी भाषा में लिखोगे तो वो उसे कुछ नहीं समझता क्योंकि उसको नहीं समझ आती तो उसको एरर मानता है आप कुछ बोल रहे हो और सामने वाले को चीज नहीं समझ में आ रही तो उसको एरर मानेगा भाई ये क्या है तो सिंपली आपने इसको कमेंट कर दिया दैट डोंट टेक इट सीरियसली दिस इज कमेंट और ये आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए रखते हो एंड अगेन विल गिव वन लाइन ऑफ स्पेस वन रो ऑफ स्पेस सो आफ्टर 19 लाइन परफेक्ट और इसको एग्जैक्टली exactly आप आ, उसके ऊपर रख सकते हो 22 लाइन का 22 रो का स्पेस आपने रखोगे तो भी चलेगा परफेक्ट तो so आप कमेंट करके रख सकते हो एंड we'll we'll इन अभी डाउट करना है ना? Yes. आप कंट्रोल ऐसे भी कर सकते हो और सेव प्रोग्राम से भी सो okay. so जब भी आप सेव करते हो कोई भी फाइल तो उसकी वो लोकेशन पूछता है ओके okay? तो आप एक काम करो Uh, हम एक नया फोल्डर क्रिएट कर देते हैं जहां पे हम जितना भी वो करेंगे ना नहीं तो ऐसे क्या होगा सारी चीजें एक ही फोल्डर में जाएगी तो आपने जो न्यू hmm. फोल्डर अनुप क्रिएट किया है ना यस yes. वहां एक सब फोल्डर एक और क्रिएट कर दो क्लिक, क्लिक राइट ये सेम जैसे आप अपने सिस्टम में क्रिएट करते हो पर आप सर्वर यूज कर रहे हो तो यहाँ पे फाइल क्रिएट करनी होती है फोल्डर और यहाँ पे लिख दो कोड सैस कोड नाउ आपको सभी को ये विंडो दिख रहा होगा दिस इज विजिबल टू एवरी वन यस सर अभी ये किस लिए होता है क्योंकि आपको फाइल स्टोर करनी है बट आपने डिसाइड कर रखा है कि पर्टिकुलर मुझे लोकेशन पे स्टोर करना है ये जो प्रोग्राम का कोड है तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे फाइल्स पे तो क्लिक ऑन फाइल्स जो एरो सिंबल है फाइल्स पे वहां पे क्लिक करो यहाँ पे यहाँ पे हाँ इसी विंडो में एरो पे तो so, एरो पे क्लिक करने से क्या होता है वो एक्सप्लोर करता है उसके अंदर जो भी कंटेंट है वो दिखाता है अब आपका जो फाइल जो आपने क्रिएट किया है सैस कोड का वो अगेन इसके अंदर है राइट सैस यूजर के अंदर है तो अगेन क्लिक ऑन एरो सिंबल ताकि वो भी ओपन होके okay दिखे और उसके अंदर भी आपने फोल्डर क्रिएट किया था न्यू फोल्डर अनूप एक्चुअली हमें बाहर ही कर देना चाहिए था बट नो वरी इससे आपको जितना अंदर जाओगे पता चलेगा अगेन क्लिक ऑन एरो सिंबल ताकि वो भी एक्सप्लोर होकर okay दिखे अब फाइनली क्योंकि आपने एक फोल्डर क्रिएट किया था सैस कोड करके यहाँ पे आप चाहते हो सारे कोड आपके स्टोर हो तो अब आप इस पर क्लिक करोगे क्लिक इट सैस कोड राइट तो आपने वहां पे क्लिक कर दिया अब क्या होगा कि वहीं पे क्योंकि आपने वहां पे क्लिक किया तो वहीं पे फाइल स्टोर होगी तो कोई भी फाइल स्टोर होती है तो एक तो लोकेशन देना पड़ता है और पहले वेट 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 हाँ हाँ सर रुकाओ, रुकाओ. उसके बाद लोकेशन देने के बाद आपको नेम देना होता है ओके okay. तो नेम में, नेम में बाय डिफ़ॉल्ट क्या आ रहा है प्रोग्राम वन ठीक है तो आप नेम में क्या दे दोगे आप नेम में दे दो आ, ये हमारा फर्स्ट लेक्चर था राइट तो इसमें हमने क्या क्या सीखा हम लॉजिकल नेम देंगे तो लॉजिकल नेम के हिसाब से आज हमने क्या क्या सीखा गया मुझे वो बताओ अगर उसे कंक्लूड करना हो तो बेसिक चीज बॉयज एक काम करो बाद में डिस्कस कर लेंगे बाद में आप रीनेम कर लेना अभी के लिए आप लिख दो लेक्चर वन And now save it. And now save it. Done, sir. Okay. So now you have saved this program. Now check there. Check-in code file coming light, right lecture yes. one, dot SAS, SAS, dot SAS, extension mm -hmm. okay like this way we need to save execute save execute और हमेशा आप किसी भी फाइल को मीनिंगफुल नेम दो तो नेक्स्ट टाइम जब भी उसको फाइल नेम देख के पता चल जाएगा कि अंदर क्या कंटेंट आपने किया होगा राइट right? मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ आप अप सभी अपने आप से रीनेम कर लेना जैसे कि हमने यहाँ पे सीखा है कि डेटा के टाइप कितने होते हैं डेटा क्रिएट कैसे करते हैं और लाइब्रेरी क्या होती है राइट right? इस ऐसे उसको सिंप्लीफाई करके कुछ छोटा ही नेम देना ओके सो गाइस फॉर टुडे दिस मच ओनली आज सिर्फ हम इतना ही करेंगे तो जस्ट आई बी शेयरिंग यू द कोड एज वेल रिकॉर्डिंग एज वेल एवरीवन ट्राई इन योर सिस्टम एंड व्हाटएवर डाउट विल बी देयर आप डाउट को ऐसे लिख लो एंड विल बी टेकिंग द डाउट्स ओके So let's end it here only for today so thank you everyone bye bye everyone and good night everyone yeah thank you sir thank you good night